को मकसद बनाने का ये तस्वीर सिर्फ आपको बताना था कि मेरे भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, अगर कर सकते हो मेरे भाई, अगर मैं इन चीज़ों से कर सकता हूँ आप वैसे कैसे नहीं कर सकते हो, कैमरे के सामने बोलना कोई मुश्किल तो है नहीं। तो मैंने बिल्कुल जो स्टार्टिंग की थी वो मैंने यहाँ से की थी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, कहूँ ज़रा कैमरे में ये लाइट आपको पता होगा कितने कीमती और महंगा लाइट है। मैं कसम भी उठाता हूँ पहले मैं इसी पे वीडियोज़ बनाता था, खास करके काइन मास्टर के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है दोस्तों। आपको पता है कि ये 50,000 से कम लेंस नहीं है। इस तरह की मोबाइल होगा 30-35 लाख का, जिसका स्क्रीन भी आधा टूटा हुआ है, तो मेरा लेटेस्ट का तो आपको पता ही होगा कि ये 1.5 लाख से कम मिलता ही नहीं। ये और ये मेरा बोर्ड है स्टूडियो के लिए, चेक कर रहा हूँ नाजरीन। तो ये है मेरा स्टूडियो सेटअप, तो चलिए इसको अभी हम इस्तेमाल करना भी आपको बताते हैं कि मैं क्लिप पहले किस तरह इसको यूज़ करता था। तो जो मैं पहले पहले वीडियोस बनाता रहा, मैंने इसको किस तरह यूट्यूब के स्टार्ट की और इसको मैं किस तरह यूज़ करता रहा, तो चलिए चलते हैं स्टूडियो के अंदर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों स्टूडियो के अंदर, आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह की वीडियोस बनाते हैं इसमें। पहले तो देखिए दोस्तों, ये मेरा स्टूडियो है बिल्कुल, जो इसके दीवारें वगैरह हमने बनाई है तकरीबन 10 लाख से 35 लाख, इसमें सिर्फ खर्चा आया कि हमने इसकी दीवारें बनाई है, मज़दूरों को बुलाया है। ये जो आपको कपड़ा नज़र आया टेंट का, ये बिल्कुल टेंट है, किस लिए जो हम बारिशें वगैरह होती रही फिर हमने इसको ऊपर बिछाने के लिए बनाया है। वो टेंट नज़र आया तकरीबन ये मैंने 10 से 15 लाख का लिया था, लिया भी किस लिए था, वो घर में रखा हुआ था इन्होंने बारिश वगैरह के लिए, कि अगर बारिश हो तो हम किसी चीज़ पर रखते, तो हमने कहा यार महंगा सीट है तो चलिए इसको अपने लिए हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं ये जो हमने कनेक्शन की हुई तकरीबन ये 30-35 लाख का तो ज़रूर होता है, और ये मेरा बोर्ड है स्टूडियो के लिए, चेक करें देखिए दोस्तों। ये बनाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने इस पर ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ फिट की हुई है, सारे कनेक्शन इस पर आ रहे, और ये जो मेरा लाइट है इसका तो आपको पता ही होगा कि ये 1.5 लाख से कम मिलता ही नहीं। ये मैंने 1.5 लाख का लाइट लिया हुआ है। तो उसके बाद अभी दिखाते हैं आपको हम वीडियो किस तरह की बनाते हैं। वीडियो के लिए तो हमारे लिए अलग सा कैमरा होता है, देखो जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, ये होगा तकरीबन 30-35 लाख का तो होगा। इस तरह की मोबाइल होगा 30-35 लाख का, जिसका स्क्रीन भी आधा टूटा हुआ है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई और मोबाइल है नहीं, 35 लाख का मोबाइल है, मैंने कहा यही काफ़ी है। तो देखिए दोस्तों अभी हम बताएँगे आपको कि इसका हम लेंस वगैरह किस तरह के चेंज करते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको पता है कि ये 50,000 से कम लेंस नहीं है। ये 50,000 के तकरीबन आपको पता हो कि सिर्फ इसका एक लेंस आता है, बाकी तो आप जानते हैं इसको, गौर से देखिए। जी हाँ मैं कसम भी उठाता हूँ पहले मैं इसी पे वीडियोस बनाता था, खास करके काइन मास्टर के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है क्योंकि एक जगह में पड़ा रहता है और वीडियोस अच्छी तरह बनाता है। ये इसका लेंस मैं नंबर ब नंबर चेंज करता रहता हूँ, जिस तरह के मैं देखता हूँ कि कैमरा फिट होता है सही किस में नहीं होता है, तो फिर मैं चेंज करके इस तरह की देख लेता हूँ। जिसमें कैमरा सही आता हो बिल्कुल फिट, तो उसमें मैं इस तरह के मोबाइल अपने लिए रख लेता हूँ। देखिए दोस्तों, तो जिस पे इसमें भी मैंने वीडियोस तकरीबन बहुत ही मैंने बनाई, इस पे मैं बहुत वीडियोस बनाता रहा इस पे। वैसे ये नहीं कि इसका रिजल्ट भी इसका अच्छा था, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बाद फिर मैंने ये लिया, ये वाला ट्राइपॉड, ये वाला, ये भी अभी टूट चुका है क्योंकि अभी नया नया लाया था ताज़ा, उस टाइम ये बारीक से भी था। ये हमने लिया इस तरह यूज़ करते रहे, इसमें इस तरह के मोबाइल रखते रहे, बाकी तो आपको पता होगा। और ये भी सारा माशाल्लाह टूटा हुआ है। उसके बाद ये करता करता उसके बाद फिर मैंने ये सेल्फी स्टिक लिया, हमने कहा इसको यूज़ करते हैं ताकि बंदा कभी कभार आगे पीछे भी जाता है, वैसे सेल्फी के लिए यूज़ करते थे, फिर इसके लिए नीचे वाला मैंने स्टैंड कहीं से वैसे आगे पीछे ले लिया किसी से उधारे, और पैसों में इस तरह किसी का भी आगे पीछे किसी से ले लिया, तो वैसे ये सेल्फी स्टिक था उसको भी हम यही वाला कड़ा यूज़ करते थे, मतलब मोबाइल के लिए वही होता था। इसमें भी इसी तरह मैंने वीडियोस बनाई। बाकी ये ग्रीन कपड़ा है, आपको पता है कि कितने कीमती है, आपको पता होगा इस चीज़ का तो आप जानते ही होंगे। तो अभी आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह मैं वीडियो यहाँ बनाता था या करता था। इसी वीडियो को बनाने के लिए मैं ज़रा कड़ा हो जाऊँगा, दिखाऊँगा अपने नाज़रीन के कि किस तरह मैं नज़र आता था, या मैं किस भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ख़ुद ही अकेला ही अपने मोबाइल में अपनी ही वीडियो किस तरह के बना सकते हो बिना किसी के सहारे के, यानी आपके पास कोई भी दे हो आप अपना वीडियो किस तरह बना सकते हो। रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप फ्रंट कैमरा ऑन करें, उसके बाद मैं आपको अभी बताऊंगा, आप मेरी वीडियो को ज़रा देखिए। तो जैसे ही आपने अपना फ्रंट कैमरा ऑन किया तो आपको सबसे पहले ये सेट करना होगा, देखना होगा कि मेरा स्टूडियो जो है और सेटअप वगैरह बिल्कुल मुकम्मल नज़र आ रहे हैं या नहीं। ये आपको पहले से तय करना होगा कि मैं कितना एक नज़र आता हूँ,
उसके बाद फिर आपको सामने खड़ा होके अपना कुछ बोलना होगा, फिर भी देखना होगा। सिट करने से पहले पहले आपको ये लाजमी करनी होगी एक बार तसल्ली के मेरा किस तरह के कैमरा सेट हुआ है या नहीं है, जिसमें मैं सारा नज़र किस तरह आता हूँ वो तो आपको ख़ुद मैच और एडजस्ट करनी होगी। यकीन मानिए दूब बहुत ही वीडियो बनाते बनाते पसीना बहुत आ गया, लेकिन क्या करना है, नाज़रीन को भी तो दिखाना है। हो सकता है यार हमें देखे कोई और भी अपना अपने लिए काम स्टार्ट करे, हो सकता है उसकी रोज़ी बन जाए, तो बताना तो आपको लाजमी था। ये देखिए पीछे मेरा जो टेंट है आपको पता होगा कि 4-5 लाख का ही तो आता है ना, घर में रखा हुआ था उन्होंने किसी साये वगैरह या बारिश वगैरह के लिए। हमने कहा चलो पीछे काम दे दे बैकग्राउंड के लिए, इसीलिए तो हमने यही रख लिया। बाकी जो होता है एडिटिंग में तो आपको पता होगा बंदा क्रॉप कर लेता है ना, लेकिन ये स्टूडियो आपको दिखाना लाजमी था। ये 10-15 तकरीबन 35-40 लाख तक के में सिर्फ ये स्टूडियो बनाया है। उसके बाद ये रहा हमारे लाइट, आपको पता होगा ये कितना कीमती और रंगीन लाइट है, रंग वगैरह इसमें होते हैं, हर किस्म के लाइट इसमें होते हैं। आपको पता होगा, मैं आपको दिखाऊँ ज़रा कैमरे में, ये लाइट आपको पता होगा कितना कीमती और महंगा लाइट है। उसके बाद जो है ये हमने जो इसके लिए बोर्ड सेटअप रखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसके लिए बोर्ड सेटअप रखा हुआ है अपने लाइट लगाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो लाइट तो है लेकिन हम जलाते ही नहीं, क्योंकि हमको बिजली का ज़रूरत ही नहीं ना, इसलिए लाइट नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने ख़ुद बनाया इस तरह के ताकि हमने कहीं ख़राब ना होना, इसलिए तो फिट करने के लिए हम इसको लगाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के लगा देते हैं। उसके बाद ये रही मेरे खूबसूरती के लिए, हमें ओरिजिनल लाइट जो है आपको पता होगा हर किस्म का रंग वगैरह देता है, ये स्टूडियो है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल जो स्टार्टिंग की थी वो मैंने यहाँ से की थी, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों इससे मैंने की थी बिल्कुल, ये सच कह रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। ये जो है स्प्रे वगैरह के मच्छर मार के, ये भी नहीं कि हमने अपने पैसों से लिए, बाजार में पड़ा रहा, हमने किसी के पास फ्री था, हमने कहा ले जाए कहते ले जाओ, बस हमने सिर्फ क्या किया उसको, ये जो जगह था ये सर ये ढक्कन काट लिया, काटने के बाद हमने कहा यार इस पर मोबाइल के यूज़ करते हैं, इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये तकरीबन हमने लिया था 400-500 तक लिया था, हमारे इलाके में वैसे महंगे भी होते चीज़ें क्योंकि हमारे देहात का इलाका होता है। ये वाला नॉर्मल से ट्राइपॉड लिया था, इसमें मैंने ये पावर बैंक रखा हुआ है आपको बताने के लिए। उसके बाद ये इस्तेमाल करता रहा, इसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। उसके बाद रहा ये वाला, ये है सेल्फी स्टिक, लेकिन हमने नीचे जो है ट्राइपॉड आगे पीछे मिल गया किसी के साथ, तो हमने कहा यार ले ले ज़बरदस्ती हो से किसी इधर उधर पैसों में ले लिया, मजबूर करके उससे ले लिया, वो नहीं दे रहा था, मैंने कहा यार मेरा काम की चीज़ है। उसके बाद अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल वो भी आपको बताऊँगा। तो मकसद बनाने का ये तस्वीर पर सिर्फ आपको बताना था कि मेरे भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ इन्वेस्ट है या आपके घर वाले थोड़ा बहुत बेहतर है तो आप कर सकते हो। किस लिए कर सकते हो मेरे भाई, अगर मैं इन चीज़ों से कर सकता हूँ आप वैसे कैसे नहीं कर सकते हो, कैमरे के सामने बोलना कोई मुश्किल तो है नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा रिंग लाइट है। उसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुताला वगैरह भी करता हूँ, जो कि मुताले के कुतुब मैंने रखे हुए, ज़रूरी कुतुब है, ज़रूरी चीज़ें जिसमें हमें मसले मसाइल को देखना होता है वो मेरे कुतुब। तो जी हाँ, YouTube के अलावा मैं मजदूरी भी करता हूँ, बिल्कुल अभी भी मैं मजदूर हूँ, मजदूरी भी करता हूँ। मैं आपसे भी यही रिकमेंड करूँगा, जो काम करते हो उसके साथ एक्टिव रहना है और YouTube की वीडियोस बनानी है। तो देखिए इस वीडियो में मुझे, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ आपको बताने के लिए।